हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मूली की भुर्जी, जिसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए होगा। ये मैंने 2 किलो मूली ली हैं, पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं और मूली को मैंने अलग कर लिया है। इनको मैंने धोकर देखिए ऐसा बारीक बारीक काट कर रख लिया है और मूली को भी मैंने पील करके धोकर और ऐसे छोटे छोटे पीसीस में कट करके रख लिया है। इसी के मेज़रमेंट से मैंने बाकी मसाले लिए हैं। ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं, 1/2 इंच 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1 पिंच हींग लिया है। सबसे पहले हम अपनी मूली को बॉईल कर लेते हैं। लीजिए, प्रेशर कुकर में मैंने मूली के पत्तों को डाल दिया है। अब मैं इसमें मूली भी डाल दूँगी धीरे धीरे। लीजिए, इसमें मैंने मूली को भी डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल दूंगी और जब तक ये थोड़ी नीचे ना बैठ जाए तब तक मैं प्रेशर कुकर को बंद नहीं करूंगी। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी ताकि ये जो हमारी मूली है वो थोड़ी नीचे बैठ जाए। लीजिए, मूली हमारी बॉयल हो चुकी हैं। मैंने इसमें 2 विसल लगाई हैं और देखिए मूली हमारी कितने अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है। इसमें अभी भी पानी है तो मैं इसको कपड़े में रखकर अच्छे से निचोड़ लूँगी, पानी इसका बिल्कुल निकाल दूँगी, इसको सुखा लूँगी, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। चलिए, मैं इसको पहले इसका जो मूली का पानी है उसको निकाल लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड, मूलियों को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। ये देखिए, ये ड्राई हो चुकी हैं। चलिए अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। देखिए, तेल को हमने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले हींग और जीरा डाल दूंगी। इसको भुनने देंगे, हींग और जीरे को। हींग और जीरा भी भुन चुके हैं। इसमें मैं लहसुन अदरक डाल लूँगी, इसको मैंने कूट कर रख लिया था और इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हो। लहसुन अदरक हमारे भुन चुके हैं। इसमें मैं मिर्च डाल दूँगी, इनको भी मैंने पीस कर रख लिया था। आप चाहो तो इसमें एक प्याज भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, मिर्चों को भी। लीजिए, मिर्च हमारी भुनने लग गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लीजिए, मिर्च भी भुन चुकी है। देखिए, मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। अब मैं इसमें मूली डाल दूँगी और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। लीजिए, मूली हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पका लूँगी ताकि जो मूली में थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी सूख जाए अच्छे से। ये देखिए,
इसको मैं अब ऐसे ही छोड़ दूंगी और बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूंगी ताकि मूली जले नहीं। और इसे सर्व कर दूंगी। लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म मूली की भुर्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चपाती, पराठा, बाजरे की रोटी, किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। बाजरे की रोटी किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।